नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छोटे शेयर्स के बारे में जो 10 रुपये उसके आसपास के शेयर है जिसपे काफी तेजी इधर देखने मिली है। ये सारे स्टॉक्स में जो काफी ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, प्राइस को हाई ले जाते हैं, फिर वो जब सेल वहां से करना शुरू करते हैं तो फिर प्राइस लो आता है और फिर लो प्राइस पर वो बाय करता है, फिर धीरे धीरे जब हाई प्राइस जाता है तो फिर वहां पर सेलिंग प्रेशर होता है। तो इस तरह के कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें 2-4 ऑपरेटर्स जो इस तरह से प्राइस के मूवमेंट को एडजस्ट करता है। तो ऐसे ही शेयर में जो है हमारा बिरला टायर्स है। बिरला टायर्स आप देखते हैं यहाँ से 50 रुपीज का जो ये हाई लगाया, 50 रुपीज 60 पैसा, वहां से देखते हैं लगातार ये लो बनाया 18 रुपीज 40 पैसा। अब देखिए जो यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, जो यहाँ पर हायर प्राइस पर ट्रैप हुए हैं, अब तो उनका हालत ख़राब होगा। वो वेट कर रहे होंगे, या तो वो एग्जिट कर गए होंगे यहाँ लोअर प्राइस पर, या तो वो वेट करेंगे यहाँ पर, वेट करेंगे कि कब प्राइस हमारा आएगा, फिर से हम इसको सेल करेंगे। तो दोस्तों इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अभी बाय करना था तो आप यहाँ पर लोअर प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको बाय करना है तो जैसे 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ लगा दिए और इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं किस तरह से ऑपरेटर्स इसको मतलब ऑपरेट करता है, प्राइस को हाई ले जाता है फिर लो ले जाता है। आप देखते हैं ये वन बे में ये लगातार लोअर सर्किट के साथ यहाँ तक आया, फिर से इसमें अपर सर्किट, हो सकता है कल से फिर लोअर सर्किट लग जाए या लगातार अपर सर्किट लगता रहे। तो इस तरह के स्टॉक्स के पहले फंडामेंटल्स को आप देखें, फंडामेंटल के बारे में रिसर्च करें कि फंडामेंटल स्टॉक का क्या कहता है, क्या फेयर वैल्यू होना चाहिए, क्या इंट्रेंसिक वैल्यू होना चाहिए इस स्टॉक का, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। जो भी लोअर लेवल पर यहाँ देख सकते हैं 2 रुपीज़ 80 पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किए तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जैसे ये हायर प्राइस पे जाता है कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है, तो जैसे ये 50 रुपीज़ के आसपास गया तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। मतलब जैसे आप यहाँ पर 100 क्वांटिटी बाय किए हैं, 1000 क्वांटिटी बाय किए हैं, तो 1000 में यहाँ आप क्या कर सकते हैं 200-300 क्वांटिटी बाय सेल कर देंगे तो आपका कुछ प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पर बना लेंगे। तो हायर प्राइस पर जाए तो आप कुछ क्वांटिटी वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उससे क्या होगा आपका जो है वेल्थ क्रिएट होगा, आपका जो मनी है वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा आलोक इंडस्ट्री। ये स्टॉक्स ठीक है क्योंकि रिलायंस ग्रुप का स्टॉक है, लेकिन इसका जो आपको रिजल्ट चाहिए क्वार्टर रिजल्ट, तो क्वार्टर फोर का तो रिजल्ट आया, क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा नहीं था, लेकिन हम क्वार्टर वन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आता है उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करने में मजा आएगा। कि अगर रिजल्ट काफ़ी बेहतर है तो निश्चित है ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतर रिजल्ट देगा, मतलब काफ़ी बेहतर रिटर्न देगा आने वाले समय में। तो रिजल्ट का क्वार्टर वन का रिजल्ट देखना बहुत ही बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसमें लोअर सर्किट लगा और ये फिर से अपर सर्किट में 54% तक का रिटर्न दे चुका है, तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। ये स्टॉक्स बेहतरीन है लेकिन आपको नीचे के प्राइस पर मिले तभी आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। हायर प्राइस, अब जैसे धीरे धीरे ये हायर प्राइस की ओर जा रहा है तो आपको इसे अवॉइड करनी चाहिए। जैसे ये नीचे के प्राइस पर आया था आप 27 रुपीज़ इसके आसपास, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, तो ये बेहतरीन स्टॉक में से एक है। उसके बाद अगला जो स्टॉक से हमारा फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर इंटरप्राइजेस। दोस्तों फ्यूचर ग्रुप में अगर रिलायंस कंफर्म हो जाता है कि रिलायंस स्टेक लेता है, मतलब मुकेश अंबानी जी फ्यूचर ग्रुप में जो डेट है उस डेट को ख़त्म कर देते हैं, तो निश्चित है कि ये स्टॉक एक रॉकेट बन जाएगा। तो उसी के ध्यान में रखते हुए फ्यूचर ग्रुप के जो स्टॉक्स है उसमें आपको तेज़ी देखने मिलेगा। देखिए ये स्टॉक भी तेज है, इसमें पहले देखते हैं अपर सर्किट फिर कभी लोअर सर्किट, इस तरह का ट्रेंड इसमें भी चल रहा है। लेकिन एक बार डील हो गया तो फिर ये स्टॉक्स आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है, लेकिन डील कन्फर्म होना चाहिए तभी आपको इन्वेस्ट करने मजा होगा। नहीं तो अगर डील नहीं होता है फिर आप इस स्टॉक में ट्रैप हो जाएंगे। अगर डील नहीं होता है तो निश्चित है ये स्टॉक का जो फेयर वैल्यू वो 1 रुपीज़ के भी नीचे है, तो जब डील हो जाएगा तो निश्चित है कि ये स्टॉक्स एक रॉकेट बनेगा, क्योंकि जो डील है वो रिलायंस ग्रुप के साथ है। अभी रिलायंस ग्रुप के सारे स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने मिला है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि कब तक इसमें तेज़ी बरकरार रहता है। तो अभी जो इसका प्राइस है 11 रुपीज़ 95 पैसा, तो आप इसमें कुछ अमाउंट बाय कर सकते हैं, मतलब कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए लर्नर, मतलब एज ए सीखने के लिए कि कैसे इन सारे स्टॉक्स ऑपरेट होते हैं, किस तरह से प्राइस मूव करता है, अप जाता है डाउन जाता है। तो इस तरह का अगर कोई भी आपका इच्छा हो सीखने का तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर ग्रुप हो गया और इस ग्रुप का जो है फ्यूचर रिटेल हो गया और दूसरा है फ्यूचर इंटरप्राइजेज। फ्यूचर रिटेल 100 रुपीज़ का आप अगर उसमें 100 क्वांटिटी बाय करेंगे तो 10,000 आपका उसमें अमाउंट ट्रैप हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप इस ग्रुप के छोटे स्टॉक्स है इसमें भी 100 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। फ्यूचर
एंटरप्राइजेस, इसका कोई भी शेयर प्लीज नहीं है, मतलब इस कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, तो ये कंपनी डेट बिल्कुल फ्री है। तो फ्यूचर ग्रुप का ये वो कंपनी है जिसमें कोई डेट नहीं है। और यह कंपनी देखते हैं मात्र पहले इसका प्राइस जो था काफ़ी नीचे था, 10 रुपीज़ से भी नीचे, और अभी आप देखते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑपरेटर ने इसे ऑपरेट किया है, और यहाँ पर कितना परसेंट का रिटर्न प्राप्त, 61% का रिटर्न प्राप्त करने के बाद इसको फिर से मतलब नीचे की ओर ले जा रहा है इसके प्राइस को। तो इस तरह से ऑपरेट किया जाता है इस छोटे छोटे स्टॉक्स को। तो आप इसमें जैसे हाइयर प्राइस की ओर जाने लगे तो आप इसमें अपना क्वांटिटी धीरे धीरे सेल करने की कोशिश कीजिए, और जैसे लोअर प्राइस पे मिल रहा है तो आप इसमें छोटे अमाउंट बाय कर सकते हैं। छोटा अमाउंट बाय करना है सीखने के लिए, फिर हाइयर प्राइस आता है तो वहाँ पर जाकर सेल करना है। तो इस तरह से बाय और सेल आपको करते रहना है और सीखते रहना है। तो ये स्टॉक्स देखते हैं, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखेगा तो काफ़ी महंगा हुआ करता था, 600 रुपीज़ से भी अबव 700 रुपीज़ का। अभी ये स्टॉक्स आपको काफ़ी नीचे के प्राइस पर, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप जो है पूरी तरह से डेट से दबा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज है फ्यूचर ग्रुप के सभी कंपनियों के ऊपर, जिस कारण इसके 100% शेयर प्लेस्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा शेयर प्लेस्ड हैं, तो इसी कारण इस स्टॉक में इतना ज़्यादा करेक्शन आपको देखने मिलेगा। नहीं तो ये देखिए, जब ये 2002 सब में ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा था इन्वेस्टर को, देखिए 11,000% का, देखते हैं 2002 से 2007 के बीच कितना का, 11,000% का रिटर्न दिया था। तो ऐसे बेहतरीन सब कंपनियां थी, लेकिन जो डेट है, जो कर्ज है, कर्ज के कारण ये सारी मतलब इस ग्रुप की सारी कंपनियां बर्बाद हो चुकी है। तो सारे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है। तो ये भी कंपनियां देखते हैं 1,343% का रिटर्न, और अभी आप इसका सब शेयर देखते हैं काफ़ी महंगे हुआ करते थे, अभी ये सारे शेयर आपको बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रहे हैं। फ्यूचर इंटरप्राइज ये तो शेयर देख सकते हैं आप 700-800 तक चला गया था, और ये अभी आपको 8 रुपीज़ पर मिल जाता है, 16 रुपीज़ अभी प्राइस है, कभी ये घट करके 8 रुपीज़ आ जाएगा। तो इतने यहाँ पर देख लीजिए 52 बिग लोग 7 रुपीज़ 55 पैसा, तो इतने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि कंपनी पूरी तरह से जो है कर्ज के तले दबा हुआ है। अगर कंपनी का कर्ज मतलब अगर रिलायंस स्टेक बाय करता है और रिमूव कर देता है इसके डेट को, तो निश्चित है कंपनी में काफ़ी तेज़ी आपको देखने मिलेगा, और उसके बाद कंपनी रिलायंस इसको लिस्टेड रहने देगी या इसको रिलिस्ट करेगी, क्या होगा, तो ये सब बातें भी मायने रखता है। तो आपको हर बात पर ध्यान रखना है कि कंपनी अगर इसको रिलायंस बाय करता है तो क्या कंपनी लिस्टेड रहेगी, क्या इसके शेयर को रिलिस्ट किया जाएगा या इसको डिलिस्ट किया जाएगा इसके शेयर को। तो सारी बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब रिलायंस स्टेक बाय करेगा तो ये रिलायंस की कंपनी हो जाएगी, तो वो शेयर होल्डर के प्रॉफिट के लिए सोचता है, बेनिफिट्स के लिए सोचता है या नहीं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। अगर वो शेयर होल्डर के बेनिफिट्स के बारे में सोचता है तो निश्चित है आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। उसके बाद जो अगला स्टॉक्स है ट्रिडेंट लिमिटेड, ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। पैनी स्टॉक्स में कहें तो सबसे बेहतरीन स्टॉक में से एक है। कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है। तो इस कंपनी का जो डेट है वो भी लगातार कम हो रहा है, और सबसे बड़ी जो इधर न्यूज आई थी कि खुद प्रमोटर्स जो है अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में, लेकिन कंपनी का रिजल्ट काफ़ी प्रभावित हुआ है। रिजल्ट में काफ़ी 80% से भी ज़्यादा का गिरावट आया है प्रॉफिट में। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर इस कंपनी के चार्ट की बात करें तो ये कंपनी देख लीजिए 1 ईयर में चार्ट फ्लैट है। अगर आप ईयर टिल डेट में चार्ट फ्लैट था, 1 ईयर में देखिएगा तो 1 ईयर में एक बार पीक आया था इसमें, 5 ईयर्स में देखिएगा तो 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं 5 ईयर्स में चार्ट कंपनी का ओवरऑल ठीक है, कुछ खास रिटर्न कंपनी ने नहीं दिया, लेकिन 47% का रिटर्न है 5 ईयर्स। मैक्सिमम ईयर में करेंगे तो मैक्सिमम ईयर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इस कंपनी ने। मैक्सिमम ईयर में बात करें तो देखते हैं 1270% का रिटर्न। अगर आप इतना रिटर्न के लिए आप छोटे से स्पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो ये अच्छा नहीं है। आप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करें, काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं अभी। आप HDFC MC काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन मिल रहा है, HDFC बैंक काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और जो टाइटन है आपको काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन सब स्टॉक्स जो आपको काफ़ी लो वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं वो आपको इतने लॉन्ग टर्म में इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिटर्न देंगे। आप यह देखते हैं इतने लंबे होराइजन पर यह मात्र 1200% का रिटर्न दे रहा है। आप देख लीजिए 1270% 2001 से 2020 तक में, इतने लॉन्ग टाइम में आपको जो टाइटन है वो आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न देंगे, HDFC बैंक काफ़ी बेहतर रिटर्न देंगे आपको आगे चल करके। इतने लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे HDFC MC ICICI बैंक
तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसको हम अलग अलग वीडियो में बताते रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं इसमें आप मतलब जो है छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें, अगर रिटर्न देगा तो आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा, अगर नहीं भी दिया तो आपके कैपिटल पे आपका जो वेल्थ है उस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और तब जा करके आपको इन सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।